नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे आज की वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि आज पीसी थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो अगर हम ज्यादा लंबा वीडियो करने की कोशिश करेंगे तो मे बी हम वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आज हम सिर्फ एक या दो अपडेट के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की स्विफ्ट यूसीएवी को लेके है। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी स्विफ्ट यूसीएवी को जल्दी से जल्दी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इसको अभी घातक यूसीएवी का एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। और सबसे पहले घातक यूसीएवी में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाली है उन सभी को स्विफ्ट यूसीएवी में टेस्ट करने के बाद उनको बाद में घातक यूसीएवी में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। अभी पता चला है कि डीआरडीओ की तरफ से स्विफ्ट यूसीएवी की हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को कम्प्लीट कर लिया गया है। और डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि पिछले 3 महीनों से स्विफ्ट यूसीएवी की पहली प्रोटोटाइप की अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा था और अभी सक्सेसफुली इसकी हाई स्पीड लो स्पीड और मीडियम स्पीड टैक्सी ट्रायल को कंप्लीट किया जा चुका है। इसके बाद अभी इसकी टेस्ट फ्लाइट को करने की तैयारी किया जा रहा है। स्विफ्ट एक टन क्लास की यूसीएवी होने वाली है और ये घातक यूसीएवी का एक स्केल डाउन वेरिएंट होने वाला है और अभी इसमें रशियन सैटर्न 36 एमटी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के इसको जीटीआरई की तरफ से डेवलप किए गए स्मॉल टर्बोफैन इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी इसकी जो टेस्ट फ्लाइट होने वाली है इस दौरान इसकी कुछ मेजर कंपोनेंट की टेस्टिंग होने वाली है, जिसमें इसकी लैंडिंग गियर की टेस्ट होने वाली है, इसकी फ्लाइंग विंग डिजाइन की टेस्ट होने वाली है, साथ ही इसकी आरसीएस को भी टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसकी ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ मैकेनिज्म को भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये आगे चल के हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और अभी इसी साल के अंत तक ही स्विफ्ट यूसीएवी की पहली ट्रायल को करने की तैयारी किया जा रहा है। इसके बाद आगे चल के 2 से 3 सालों तक इसके अलग अलग टेस्ट को किया जाएगा और उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से घातक यूसीएवी के एक फुल स्केल मॉडल को बनाने की कोशिश की जाएगी और इसको 2025 से 2026 के बीच ही बनाने का प्लान किया गया। और तब तक हमारी कावेरी इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट वेरियंट होगा उसको भी तैयार कर लिया गया होगा, जिसे आगे चल के घातक यूसीएवी में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पीटीआई की तरफ से इशू किए गए ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया है और इसके लिए कल ही इंडियन नेवी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है। नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो इसे डीआरडीओ की तरफ से ही डेवलप किया गया है और इसको अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का एक नेवल वर्जन है, जिसमें बोथ हार्ड किल और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। हाल ही में जम्मू एयरवेज के ऊपर जो ड्रोन स्ट्राइक किया गया था उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा था। और अभी नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो ये एक 360 डिग्री का सिस्टम होने वाला है, जो कि पूरे 360 डिग्री में कवरेज दे सकेगा और साथ ही इसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और आयर सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि माइक्रो ड्रोन्स को भी आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकेगा। अब चाहे तो वो इसको जैम करके भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें जिस फ्रिक्वेंसी पर ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा होगा उसको जैम कर दिया जाएगा, जिस वजह से ड्रोन बेकार हो जाएगा। और इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से अभी इस एंटी ड्रोन सिस्टम में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इजीली ड्रोन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकता है। अगर ये सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है तो फिर हम लेजर वेपन या डायरेक्ट एनर्जी वेपन की मदद से भी किसी भी रॉक ड्रोन को मार के गिरा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।